तो आज मेरे पास है अगारो रॉयल सोनिक इलेक्ट्रिक टूथब्रश। इससे पहले मैं इसका जो है सोनिक मैक्स यूज कर रहा हूँ और इसे यूज करते हुए मुझे लगभग 2 महीना हो गया है, तो मुझे लगता है इसी वजह से मैं आपको जो है ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा कि इलेक्ट्रिक टूथब्रश कैसा होता है और क्या आपको इसे परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। तो सीधे अगर हम इसके बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे अगारो सोनिक इलेक्ट्रिक टूथब्रश लिखा हुआ है और इसका मॉडल नंबर जो है ये रॉयल है। उसके अलावा सोनिक टेक्नोलॉजी और रिचार्जेबल है। इसके अलावा आपको इसके अंदर आपको 1 साल की वारंटी मिलेगी। तो बॉक्स को ओपन करोगे जैसे ही आपको जो है वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है, यूजर मैनुअल आपको इसके साथ मिलने वाला है। तो रिचार्जेबल है तो इसके साथ आपको जो है एक चार्जिंग केबल देखने को मिल जाता है और यहाँ पे ये रहा हमारा ब्रश का हैंडल। उसके अलावा इसके अंदर आपको 2 हेड मिल जाता है। तो सबसे पहले हम एक हेड को ओपन कर लेते हैं तो काफी सॉफ्ट ब्रश आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम एक हेड को इसके साथ अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है लगाना बहुत ही आसान है। इस तरीके से आपको अंदर घुसाना है और इसे घुमा देना है तो ये लॉक हो गया है। तो ब्रश के लुक एंड डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे डायमंड कट जैसा जो है डिजाइन दिया गया है। तो इसको जो है पकड़ेंगे ना तो ग्रिप काफी अच्छा मिलने वाला है। नीचे के साइड चार्जिंग पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया है और इसके अंदर आपको जो है 3 मोड दिया गया है, तो आप इसी बटन से जो है चेंज कर पाएंगे। तो बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाता है। कुछ इस तरीके का आपको साउंड सुनाई देगा, एक वाइब्रेट जैसा साउंड आपको सुनाई देगा। उसके अलावा दोबारा प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो है अलग अलग मोड पे शिफ्ट हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पे जो है वाइटिंग मोड देखने को मिलता है। उसके अलावा क्लीनिंग मोड और पॉलिश मोड इसके अंदर आपको दिया गया है। तो यहाँ पे मोड चेंज हो रहा है ये आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए यहाँ पे जो है 3 इंडिकेटर लाइट भी दिया गया है। जैसे आप प्रेस करेंगे सबसे फर्स्ट वाला ऑन हो जाता है, दोबारा प्रेस करने पर सेकेंड और थर्ड मोड पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। जैसे आप 4th टाइम प्रेस करेंगे उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा। और हाँ, नीचे की तरफ आपको एक और इंडिकेटर लाइट देखने को मिल जाता है, तो ये जो है चार्जिंग इंडिकेटर लाइट यहाँ पे दिया गया है। और हाँ, 9000 स्ट्रोक पर मिनट पर ये काम करता है। तो बैटरी कैपेसिटी की अगर बात करें तो इसके अंदर आपको 500 mAh का बैटरी दिया गया है। तो अगर आप इसको जो एक बार फुल चार्ज कर लेते हैं ना, उसके बाद आपको 20 से 25 दिन तक देखना नहीं पड़ेगा। काफी अच्छा लॉन्ग लास्टिंग बैटरी बैकअप यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर इसके जो है एक्चुअल यूज की अगर बात करें तो मैंने जैसे आपको शुरू में बताया था कि मैं जो है ऑलरेडी जो है रेगुलर यूज करता हूँ इलेक्ट्रिक टूथब्रश, तो मेरे लिए तो भाई आदत हो गई है, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आता है और काफी अच्छे से क्लीन होता है नॉर्मल ब्रश के मुकाबले। ये जो है ना काफी अंदर तक जो है क्लीन कर देता है, आपको बस टच करके रखना है और ये ऑटोमेटिक अपना काम करता रहेगा, जो कि एक नॉर्मल ब्रश से जो है काफी अंदर तक साफ नहीं होता है। इससे जो है आप चारों तरफ से अपना टीथ को साफ कर सकते हैं इजिली। हालांकि अगर आप फर्स्ट टाइम यूज करेंगे ना, थोड़ा सा आपको 2-3 दिन अजीब सा लगेगा, एक झिनझिनाहट सा महसूस होता है क्योंकि ये जो है वाइब्रेट करता है। बाकी अगर आप जो है इसको रेगुलर यूज करते हैं ना तो इससे जो है आप यूज हो जाएगा। अभी अगर मैं जो है नॉर्मल ब्रश से ब्रश करता हूँ ना तो मुझे जो है उतना मजा नहीं आता है, जबकि अगर मैं जो है इलेक्ट्रिक टूथब्रश से ब्रश करता हूँ ना तो मुझे लगता है भाई मेरा टीथ जो है काफी अच्छे से साफ हुआ है। और इसे भी मैंने जो है टेस्ट करके देखा है, काफी अच्छे से टीथ को क्लीन कर देता है। हर 30 सेकंड बाद ये आपको रिमाइंडर देगा, यानी कि ऑन होके ऑफ हो जाता है। अगर आप एक साइड ब्रश कर रहे हैं ना, 30 सेकंड बाद ये ऑफ हो जाएगा, उसके बाद फिर ऑन होता है ताकि आप जो है दूसरे साइड में ब्रश कर सके। और हाँ, इसमें आपको टाइमिंग भी मिल जाता है, 2 मिनट का जो है टाइमिंग यहाँ पे दिया गया है, 2 मिनट बाद जो है ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और हाँ, इसके अंदर आपको IPX7 का वाटरप्रूफ दिया गया है, तो अगर आप इसको जो है पानी से वॉश करते हैं ना तब भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो फाइनली अगर बात करें इसके जो है प्राइस की, ये आपको Amazon में 449 में देखने को मिल जाता है। मैंने लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके चेकआउट कर लेना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, पहली बार चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।